जो बेसिक शिक्षक हैं उन्हें 8 साल के बाद स्नातक शिक्षक बनाया जाना था, और जो स्नातक शिक्षक हैं उन्हें प्रधानाध्यापक बनाया जाना था। लेकिन सरकार ने ऐसा बिल्कुल ही नहीं किया। सरकार इसमें क्या भेद रखना चाह रही है, क्या छुपाना चाह रही है, क्या बताना चाह रही है, ये समझ से बाहर है। लेकिन प्रधानाध्यापक की बहाली में कहीं भी डीपी की चर्चा नहीं किया जाना एक संशय की स्थिति उत्पन्न कर रहा है। तो फिर डीपी की चर्चा क्यों नहीं की गई है? क्या डीपी एनसीटी की जो गाइडलाइन है उसको फॉलो नहीं करता है? नमस्कार दोस्तों, मैं संजीव समीर और आप देख रहे हैं संजीव समीर लाइव। तो आपको बता दें कि इस वीडियो के माध्यम से आज जो हम महत्वपूर्ण चर्चा करने वाले हैं वह है डीपी को प्रधानाध्यापक की बहाली में उसकी मान्यता होगी अथवा नहीं होगी, क्यों उस डीपी का नाम 3 अक्षर है डीपीई, और उसकी चर्चा उस विज्ञापन में कहीं भी नहीं की गई है। तो आपको बता दें कि जो पूर्व में जितने भी बहाल शिक्षक हैं, लगभग शिक्षक यानी कि मैं समझता हूं कि करीब 2 लाख शिक्षक, पौने 2 लाख से 2 लाख के करीब में शिक्षक जो हैं इस डीपीई से ही प्रशिक्षित हुए हैं। लेकिन प्रधानाध्यापक की बहाली में कहीं भी डीपीई की चर्चा नहीं किया जाना एक संशय की स्थिति उत्पन्न कर रहा है। आखिर क्यों इस शब्द का जिक्र नहीं किया गया है, क्यों इस शब्द का कहीं भी चर्चा नहीं किया गया है? एक छोटी से छोटी बात को आप ले लें कि जैसे स्नातक के पास के बारे में भी कहा गया है, जिसमें कामेश्वर सिंह दरभंगा यूनिवर्सिटी से जो पास है उन्हें भी इसका समकक्ष माना जाएगा, जो मदरसा बोर्ड के माध्यम से जो उनकी डिग्री जो होती है स्नातक लेवल की उसके बारे में चर्चा की गई है अलग से। तो फिर जहाँ डीएलएड की चर्चा की गई है, एनसीटी से अप्रूव्ड जो डिग्री है डीएलएड के समकक्ष उनकी चर्चा की गई है, तो फिर डीपी की चर्चा क्यों नहीं की गई है? क्या डीपी एनसीटी की जो गाइडलाइन है उसको फॉलो नहीं करता है? अगर फॉलो करता है तो इतने सारे संख्या में होने के बावजूद भी डीपी की कहीं चर्चा नहीं की गई है, आखिर कारण क्या है? सरकार इसमें क्या भेद रखना चाह रही है, क्या छुपाना चाह रही है, क्या बताना चाह रही है, ये समझ से बाहर है। बहुत सारे संगठन के नेतृत्वकर्ताओं से भी बात मैंने की, उन लोगों का कहना है कि नहीं डीपी की मान्यता होगी। मैंने कहा कि ठीक है, अगर होगी तो फिर डीपी को कहीं भी उस विज्ञापन में चर्चा में क्यों नहीं लाया गया है? कल को अगर आप कोर्ट में जाते हैं या कोई और जाता है तो वहाँ पर डीपी की कहीं कोई चर्चा ही नहीं रह गई कि आप कहेंगे कि भाई एनसीटी की मान्यता वाली बात कह रही है तो एनसीटी की मान्यता तो है ही। लेकिन आपको मैं बता दूं कि जब एनसीटी की मान्यता है, इस डिग्री को मान्यता है, तो फिर इस डिग्री के आधार पर क्या आप नवोदय विद्यालय में बहाली ले सकते हैं? क्या आप रेलवे के विद्यालय में बहाली ले सकते हैं? क्या आप केंद्रीय विद्यालय में बहाली ले सकते हैं? यहाँ तक आपको बता दूं कि जो कस्तूरबा गांधी जो बालिका विद्यालय है, जो आवासीय विद्यालय है, उसमें भी डीपी की मान्यता नहीं दी गई। आप सोच सकते हैं जब कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय में डीपी की मान्यता नहीं दी जा रही है, ऐसे में हो सकता है कि आपको प्रधानाध्यापक की बहाली में भी इसकी मान्यता नहीं दी जाए। कहीं ना कहीं मेरा कहने का आधार यही है कि जब विभिन्न संस्थानों में इसकी मान्यता पूर्ण रूप में नहीं दी जा रही है, ऐसे परिस्थिति में यह कहना कि डीपी को भी प्रधानाध्यापक की बहाली में ली जाएगी, यह मुक्ता भरी बातें हो सकती है। हम अपने आत्ममूर्खता में पड़े हुए हैं, लेकिन इस पर हम लोग कोई संज्ञान नहीं ले रहे हैं, कोई आगे का कार्यक्रम नहीं कर रहे हैं। यहाँ कार्यक्रम और संज्ञान से मेरा तात्पर्य यह है कि अभी तक किसी भी संगठन ने इस पर सरकार को कोई संज्ञान नहीं दिलाने का काम किए हैं। तो हम चाहते हैं कि हम सभी संगठन के लोग या व्यक्तिगत रूप से
सरकार से इस मुद्दे पर चर्चा कर लिया जाए ताकि क्लियर हो जाए कि डीपी उसमें है अथवा नहीं। लिखित रूप से अगर आ जाता है तो ज़्यादा बेहतर है, अगर लिखित रूप से नहीं आता है तो निश्चित तौर पर यह कहीं ना कहीं भेद उत्पन्न कर रहा है, संशय उत्पन्न कर रहा है। तो इस संशय से बचने का एक तरीका यही हो सकता है कि या तो सूचना के अधिकार के तहत इसे मांग लिया जाए अथवा विभाग से इसका मार्गदर्शन मांग लिया जाए। तो बहुत सारा कारण, क्योंकि कुछ लोगों का मेरा बात जब हुआ इस संबंध में तो उनका यह कहना था कि मैंने पदाधिकारी से बात किया है, उन्होंने कहा कि नहीं डीपी की भी मान्यता इसमें रहेगी। तो ये तो बात ठीक है, रहेगी, ये भरवली रूप से कह रहे हैं लेकिन लिखित रूप से कहीं भी नहीं आ रहा है। ऐसे परिस्थिति में उन सभी डीपी उत्तीर्ण शिक्षकों को एक संशय, एक डर उनके अंदर है कि हो सकता है कि उन्हें प्रधानाध्यापक की बहाली में नहीं बैठने का मौका मिले। इसलिए मेरा मानना है कि इसको एक क्लियर कट बात हो जाना चाहिए ताकि आगे कोई संशय उत्पन्न न हो। जिस वजह से ये बात बोल रहे हैं उसका कारण यह है कि डीपी को खुद एनसीटी ने ही मान्यता नहीं दी थी, याद होगा आप लोगों को। तो उसके बाद फिर बिहार सरकार ने आरजू मिन्नत करके 6 महीने का संवर्धन करा करके उस डिग्री की मान्यता दे दी गई। फिर और बात है कि फिर लोगों ने केस लड़ा और परीक्षा उत्तीर्ण की तिथि से ही फिर प्रशिक्षण उत्तीर्ण का भी मिल गया पैसा। तो ये अलग बात है, क्योंकि बिहार सरकार इस मुद्दे पर कहीं भी कोई चर्चा नहीं कर रही है। तो कहीं ना कहीं ये समझ में आ रहा है और कहीं ना कहीं इसमें भेद नज़र आ रहा है। एक तरफ जो विद्यालयों में प्रमोशन होना था, मिडिल स्कूलों में जो बेसिक शिक्षक हैं उन्हें 8 साल के बाद स्नातक शिक्षक बनाया जाना था, और जो स्नातक शिक्षक हैं उन्हें प्रधानाध्यापक बनाया जाना था, लेकिन सरकार ने ऐसा बिल्कुल ही नहीं किया। और समय जैसे ही आया और नया नियमावली करके नई बहाली करने का काम शुरू कर दिया। इस पर भी किसी संगठन का काम नहीं हो पा रहा है। तो इस पर संगठनों का काम होना चाहिए कि आखिर प्रमोशन क्यों नहीं दिया जा रहा है। जो नियमावली कहती है उस नियमावली के तहत ही जो बेसिक शिक्षक हैं उन्हें स्नातक शिक्षक में प्रोन्नत किया जाना है, और जो स्नातक में हैं उन्हें प्रधानाध्यापक के पद पर प्रोन्नत किया जाना है। और इसके लिए सरकार को ध्यान आकर्षित कराना होगा, तब जाकर के ये काम पूरा होगा। क्योंकि अधिकतर विद्यालयों में क्या स्थिति है, आप अच्छी तरह से अवगत होंगे कि जितने भी मिडिल स्कूल हैं उसमें जो बहालियां हुई थी पूर्व में वही शिक्षक बहाल हैं जिन्हें बिहार सरकार ने एक बेसिक शिक्षक के रूप में मान लिया, और उन्हें बेसिक शिक्षक ही मानती है, बेसिक शिक्षक का ही पैसा देती है। लेकिन सवाल यह उठता है कि उन विद्यालयों में 6 to 8 को कौन पढ़ा रहा है, वही बेसिक शिक्षक तो पढ़ा रहे हैं। तो फिर वो बेसिक शिक्षक जब 8 साल की समय अवधि को पूरा कर चुके हैं तो उन्हें स्नातक में प्रमोशन क्यों नहीं दिया जा रहा है, क्यों आज भी उन्हें बेसिक शिक्षक पर ही खटवाया जा रहा है। यहां तक कि आपको उन बेसिक शिक्षकों को हाई स्कूलों में भी डिप्टेशन पर भेज दिया गया है, डिप्टेशन के आधार पर पढ़ा रहे हैं। खैर, शिक्षकों में जो योग्यता है उस आधार पर वो पढ़ा रहे हैं, क्योंकि योग्यता की कोई कमी नहीं है। लेकिन सरकार कितनी चालाकी से पैसा बेसिक शिक्षक को दे रही है, खर्च उसका बेसिक शिक्षक का हो रहा है और पढ़ाई वह स्नातक शिक्षक का ले रही है, और बहाली नया कर नहीं रही है, और जो बहाली कर रही है
उस बहाली में बहुत सारा भेद है। तो इन सारी मुद्दों को समझते हुए और जितनी भी बातें हैं इसको समझते हुए आप सभी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि जो शिक्षक नेतृत्वकर्ता हैं उनके पास ये बात पहुंच सके, बिहार सरकार तक बात पहुंच सके। तो इसके लिए आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और आपको बता दें कि ये वीडियो अगर आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को लाइक कर लें, साथ ही साथ अगर आप इसे यूट्यूब पर देख रहे हैं तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।